कमेंट आ गया था, कोई बात नहीं छोड़िए। एके मिश्रा जी, क्या लग रहा है आपको आज हवाओं का रुख कहाँ जा रहा है? बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, क्या लग रहा है आपको? चावला जी देखिए, एनालिसिस की एक विधा होती है, एक स्ट्रीम वर्बाटिम। हम वर्बाटिम बेसिस पे एनालिसिस करेंगे एज इट इज। बात हम ना बीजेपी की करेंगे, ना कांग्रेस की, ना सपा और बसपा की। अब की बार जो मुद्दे हैं, पक्ष ने विपक्ष ने मुद्दे बनाने की कोशिश की। एक और ऐसी पार्टी है जिसने मुद्दा बनाया और उसी का मुद्दा चल रहा है, वो पार्टी है वोटर्स, जनता। मैं बोलूंगा बीजेपी ने मुद्दे बनाने की कोशिश की, जिस लेवल पे उन्होंने कोशिश की वो मुद्दा नहीं बन पाया। सपा ने मुद्दा बनाने की कोशिश की, वो भी 100% मुद्दा बन के लहर नहीं बन पाया। यानी मुद्दा का मतलब है जो मुद्दा बने और लहर में ट्रांसफॉर्म हो जाए। अब की बार सारा का सारा डिसीजन आप ये देखिए जनता अपने आप से ले रही है, वो किसी पार्टी के इन्फ्लुएंस में 100% नहीं है। वो एक्सेप्ट तो कर रही है कि हाँ भाई फलाने चीज इस पार्टी की सही थी, फलाने चीज इस पार्टी की गलत है। कुछ चीजों को वो मान रही है, कुछ चीजों को डिनाई कर रही है। यानी सेंटर में एक वोटर अपनी प्रॉब्लम को रख करके इस इलेक्शन को देख रहा है। ये बड़ा अलग सा डायनामिक्स है, इसीलिए आपको बड़े अलग और मिक्स टाइप के रिजल्ट आ रहे हैं। कहीं परसेंटेज वोटिंग ज्यादा हो रही है, कहीं कम हो रहा है। हर तरीके के आपको वोटर्स मिलेंगे जो कि अपने अपने ओपिनियन बता रहे हैं। अब रही बात सवाल ये कि इसमें होगा क्या। ऐसी सिचुएशन में होता है कि जब वोटर्स डोमिनेट करने लगता है, वोटर्स किसी पार्टी के मोटिवेशन में, बहकावे में, छलावे में नहीं आता है, तो वाकई में बड़ा निष्पक्ष टाइप का चुनाव होता है। और ऐसे में चुनौतियां सत्ता पक्ष के लिए और बढ़ जाती है। दिखाऊंगा मैं एके मिश्रा जी, मैं जितना आपको जानता हूँ बहुत लंबे अरसे से, आप राजनीतिक पंडित हैं और आपकी भविष्यवाणी अधिकतर बिल्कुल सटीक बैठती है। आप मुझे इधर उधर की बात मत करो, आप मुझे सीधा सीधा बताओ पंडित जी कि ये संकेत क्या है? अभी तीन चरण के चुनाव, बीजेपी कह रही है कि फिर से जनता ने मुख्यमंत्री तय कर दिया तीन चरण में, सपा भी यही बात कह रही है। बात बीजेपी नहीं, सपा ने तो ये बोला था हम 403 में से 403 सीट जीतेंगे। अगर हम बीजेपी और सपा की बात करें तो दोनों के पसीने छूट रहे हैं, उसके पीछे कारण है। बीजेपी अपनी पिछली परफॉर्मेंस को रिपीट कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि जनता 100% उसके कहने पे नहीं जा रही है। और सपा अपनी लहर को क्रिएट कर पाएगी कि नहीं, तो असमंजस में दोनों है, क्योंकि यहाँ पे एक इंडिविजुअल वोटर अपना डिसीजन ले रहा है, न कि पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके ले रहा है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ चुनौती सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए बराबर की हो गई है। यानी आप सत्ता पक्ष के लिए चुनौती है, बात की जा रही है, ये लहर जैसी कोई बात नहीं है। नहीं, लहर कोई बात नहीं है। अब की बार जो लहर दिख रही है वो जनता की लहर दिख रही है। जनता अपने आप में डिसीजन ले रही है। हर इंडिविजुअल आदमी देखिए, एक फैमिली में बुजुर्ग है वो अपना डिसीजन ले रहा है अपने एक्सपीरियंस पे, लेकिन एक जो नौजवान है रोजगार के लिए जिसकी प्रायोरिटी है, वो अपने डिसीजन अपने तरीके से ले रहा है। अच्छा। एक महिला अपने डिसीजन अलग तरीके से ले रही है। हम जो एनालिस्ट हैं, हम इन सारी सिचुएशन को एक नए और अलग तरीके से अब की बार हम देख रहे हैं। तो चलिए सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। एके मिश्रा जी, आपसे जानना चाह रहे थे, ये आतंकियों के अब्बा जान, भाई जान, ये सब कुछ चल रहा है, इसका असर पड़ेगा जो तुष्टीकरण की बात की जा रही थी, ध्रुवीकरण? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आतंकवाद से कोई किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो सब त्रस्त है, और सभी के लिए खतरा होता है आतंकवाद। तो आतंकवाद पे कुछ ऐसे लोग जरूर हो सकते हैं जो आतंकवाद को जस्टिफाई करने की कोशिश करें, जैसे श्रीनगर, कश्मीर वगैरह में पहले होता था। लेकिन मैं उनको देशद्रोहियों की कैटेगरी में रखता हूँ। जो आतंकवाद करने वालों को सपोर्ट करें, आइडियोलॉजिकल, फिजिकल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट, मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ, और इसका असर बिल्कुल पड़ेगा। आप ये मान के चलिए कि जहां पे भी आतंकवाद हुआ है, आप कह रहे हैं असर, मैं फिर भी पूछ रहा हूँ आपसे कि आतंकवादी भी स्वीट होता है, आजकल शुगर फ्री आतंकवादी भी चल रहे हैं, है कि नहीं? गजब स्थिति मिश्रा जी। नहीं देखिए, वो कह रहे कि मैं स्वीट आतंकवादी, एक कहते हैं कि मैं शुगर फ्री आतंकवादी हूँ, बताइए आतंकवाद भी शुगर फ्री और स्वीट चल रहे हैं? नहीं, मैंने आपको बताया वो 50 तरीके के बहाने, शब्दावली उनके लिए है। हाँ, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, स्वीट टेररिस्ट, हार्ड टेररिस्ट, वो सारी चीजें। मैं तो देश के और देश की विचारधारा के खिलाफ अगर किसी की आइडियोलॉजी है, विचार है,
तो मैं इसको आइडियोलॉजिकल टेररिज्म मानता हूँ, आइडियोलॉजिकल टेररिस्ट मानता हूँ, जो यहाँ के इस देश के सिद्धांतों का विरोध करे, बोले कि ये तो गलत है, यहाँ की मान्यताओं, यहाँ की परंपराओं, रीति रिवाज, धर्म, इन सब चीजों को जो विरोध करे, मैं उनको आइडियोलॉजिकल टेररिस्ट मानता हूँ। हर लेवल पे टेररिज्म को जवाब जनता देगी। बहुसंख्यक जनता टेररिज्म को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, चाहे वो स्वीट हो, शुगर फ्री हो, आइडियोलॉजिकल हो, हार्ड कोर हो, गुड हो, बैड हो, जैसे भी हो। और आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा था, बन चुका था और अभी भी है। अगर आतंकवाद की बात चलेगी तो बहुत तेजी से पोलराइजेशन हो जाता है। जनता को सुरक्षा चाहिए ही चाहिए। आप किसी से भी पूछ लीजिए वोटर से, वो बोले कि भाई हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। आप आतंकवाद को परमिट करोगे अपने घर में, अपने जिले में? कोई आदमी नहीं बोलेगा कि मैं आतंकवाद की पैरवी करता हूं। इवन वो भी नहीं बोलेंगे जिन जिन 38 लोगों को, आतंकवादियों को फांसी मिली है ना, उनके अब्बा जान भी नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई मैं सपोर्ट करता हूँ। आप जाके पूछ लीजिए। ओके, जयसवाल जी रिएक्ट करना। वो प्रोफेसर आप और हम सब मिलकर देखेंगे। मिश्रा जी लगातार कई मंचों पर ये बात कहते हुए आए हैं कि आप लोग फॉर्चूनर वाले किसान नेता हैं, आप लोगों को किसानी से कोई मतलब नहीं है, आपको आप लोगों को अपनी राजनीतिक दुकान चलानी है। यही बात कहते थे ना मिश्रा जी आप? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। किसान आंदोलन को जो जिन मुद्दों को लेके हुआ, मैं उसको फेवर नहीं करता हूँ, ना करता था ना करता हूँ। बिल्कुल, ये उसी बयान पे अड़े हुए हैं जो कलराज मिश्रा जी बोल रहे हैं कि ये काले कानून फिर पुनः आ सकते हैं सत्ता में आने के बाद। नहीं, कानून काला था या सफेद था उस पर हमने बहुत डिबेट की है। अब कौन नहीं समझ पा रहा है वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन हाँ ठीक है, बिल वापस हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, वो अलग चीज है। लेकिन ये मिश्रा जी आप देखिए, इस देश के किसान ने लोकतंत्र को बहाल किया, इस देश के किसान ने इस देश के अंदर लोकतंत्र को पुनः मजबूत किया। आप देख सकते हैं कि आप चोर रास्ते से जिस तरीके से अध्यादेश लाकर इस देश के ऊपर आपने काले कानून थोपने का काम किया, किसान ने संसदीय प्रणाली का सहारा लेकर इस शांतिपूर्ण आंदोलन से ऐसे कानूनों को, काले कानून को वापस लाने का काम किया। वो प्रधानमंत्री जो कहते हैं, आप कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी कभी भी कोई कानून वापस नहीं ले सकते, जो कह दिया कर दिया। आज किसान ने ये बात मनवा डाली कि देश की जनता जब अपने आई पे आती है तो ऐसे लोगों को पीछे कैसा देखना पड़ता है, अपना चेहरा चमका लीजिए। आप बताइए ना, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में क्या किया आपने? आप ही पढ़े लिखे बैठे हैं, आप ही पढ़े लिखे बैठे। अरे बताइए ना, आप ये बताइए ना ईमानदारी से कि काला कानून क्या नहीं है? एसेंशियल कमोडिटी काला बाजारी को रोकने के लिए प्रावधान था, आपने खुला बाजार कर दिया। आप मुझे ये बताइए, एसेंशियल कमोडिटी कितनी चीजें आप प्राइवेट दुकानों और प्राइवेट कंपनी से खरीदते हैं जो आपके लिए एसेंशियल? मिल्क है, एसेंशियल कमोडिटी है, वो किसान देती है कि एनडीडीबी और अमूल का ब्रांड? वो भी तो प्राइवेट कंपनी कारपोरेट है। अरे वाह वाह, डिब्बा का दूध पीते हैं क्या पूरा देश का लोग? अरे डिब्बा का दूध पीते हैं पूरे देश का लोग? अरे कहां बात कर दी आपने यार, पाउच का दूध कौन पीता है? अरे अरे पाउच वाले दूध पहुंच जाइए, हम समझ रहे हैं पूरे देश को आप एक लीटर से पीसी के अंदर लाना चाहते हैं, आप पाउच के अंदर लोग को बांधना चाहते हैं, आप कंपनियों के साथ मिलकर, यही है आप देश के अंदर दलाली करने निकले हैं, आप देश को बेचने निकले हैं। आप प्रचार कीजिए, आप प्रचार कीजिए कंपनी का, आप क्योंकि कंपनी के नुमाइंदे ही आप लोग इलेक्शन लगा रहे हैं, आप देश के अंदर लोकतंत्र को बेचने का काम कर रहे हैं। अरे बताइए, अरे डिब्बे वाली बात करती ना, लग गया पता आप किसान का खुला उत्पाद जितने नहीं देना चाहते, आप कंपनी का ही दूध दे सकता। एक गुवाला दूध वाला जो गांव से दूध लेकर शहर की ओर जाता है, उसका दूध नहीं बेचने देना चाहते आप। अरे भैया, एक किसान जो गुड़ बेचता है बनाकर, उसका गुड़ नहीं बेचने देना चाहते। एक किसान जो है जो गांव में देहात में हल नहीं लगाता है, वो रेट में ना बेच सके, वो आप रोकना चाहते हैं। हम समझ रहे हैं, आप बड़ी बड़ी कंपनी के दलाली बन रहे हैं, इसलिए आप ना व्यक्तिगत नहीं, प्लीज व्यक्तिगत नहीं, प्लीज।